हे गाइस व्हाट्स अप। आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे वे में कर रहे होंगे और इफर्ट करते जाइए। डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन जो 15 अक्टूबर को होने वाला है। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा लीग ऑफ नेशंस के बारे में, वर्ल्ड वार सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध एंड कोल्ड वार के बारे में, शीत युद्ध। देखते हैं लीग ऑफ नेशंस। द लीग ऑफ नेशंस 1920 में इसकी शुरुआत हुई, वॉज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक संस्था थी, हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इस हेडक्वार्टर को ज़रूर आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। हालांकि ये जो संस्था है अब नहीं है, 1946 में इसको डिजॉल्व कर दिया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। ये ब्रेन चाइल्ड थी किसकी? उड्रो विल्सन, जो कि प्रेसिडेंट थे उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ये एक फोरम है, इसने क्या दिया? क्रिएटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्रिएट किया गया इसको। वार टू प्रोवाइड अ फोरम, फोरम मीन्स प्लेटफॉर्म फॉर रिसॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट। USA did not ratify the settlement. Ratify का मतलब होता है legally approved. USA ने कभी भी इस पर legally जो है कि approved नहीं किया, sign नहीं किया। Never joined League of Nation. Important mark करेंगे। The aim of the league. League का aim क्या था? इसके दो main aim थे, to maintain peace, शांति को बनाए रखना through collective security. If one स्टेट, दिस इज नॉट स्टेटेड, स्टेट अटैक्ड अनदर, द मेम्बर ऑफ द स्टेट लीग वुड एक्ट टूगेदर टू रिस्ट्रेन द एग्रेसर इधर बाई इकोनॉमिक और बाई मिलिट्री सेंक्शन। सपोज कि ये लीग ऑफ नेशन के मेम्बर्स हैं, एक कोई भी कंट्री, मैं एज्यूम कर लेता हूँ नॉर्थ कोरिया, अगर ये लीग ऑफ नेशन में जितने मेंबर हैं, इस किसी भी कंट्री पे अगर ये अटैक करता है नॉर्थ कोरिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये पूरे लीग ऑफ नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो कलेक्टिव मेंबर्स हैं कि वो इस कंट्री के ऊपर क्या करेंगे, इकोनॉमिक और मिलिट्री सेंक्शन इम्पोज करेंगे जिससे कि इसकी इकोनॉमी डाउन हो और ये ट्रेड जो होगा वो भी ना कर सके, या कलेक्टिवली जो होगी इनकी आर्मी मिलिट्रली ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसको, नॉर्थ कोरिया को। ये कहलाएगा पहला पॉइंट जो इसका एम था लीग ऑफ नेशन का। दूसरा पॉइंट, टू इनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू सॉल्व इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम। प्रोत्साहित करना क्या? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोऑपरेशन टू सॉल्व इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम। लीग ऑफ नेशंस के बारे में मैं कुछ और पॉइंट्स इंक्लूड करना चाहता हूँ, ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। लीग ऑफ नेशन जो हुआ 1920 से 1946 तक चला और 1946 में ये डिसॉल्व कर दिया गया। ऑन जनवरी 10, 1920 The League of Nations came into existence. On the same day, the Treaty of Versailles came into operation. The main aim of League of Nations was to settle international dispute. इसको आप important mark करेंगे। इसका main aim क्या है? Settle international dispute. अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े होंगे, dispute होंगे, उसको क्या करेगा ये? Solve करेगा। Before they got out of hand and so prevent a war. अल्टीमेटली जो इसका एम था लीग ऑफ नेशन का, वो युद्ध को रोकना था। इट वॉज हेडक्वार्टर्ड एट जेनेवा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में, मैं बता चुका हूँ पहले। द लीग फंक्शन सक्सेसफुली इन 1920s. इट सॉल्व अ नंबर ऑफ माइनर इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इसने 1920 में काफ़ी जो छोटे छोटे इंटरनेशनल डिस्प्यूट थे उनको सॉल्व किया। Also did valuable economic and social work. It helped many refugees and PWs to go back
होम, जेनिस मूड्स, द साउथ अफ्रीकन स्टेट्समैन सेड अबाउट लीग ऑफ नेशंस, वी आर विटनेसिंग वन ऑफ द ग्रेट मिराकल ऑफ हिस्ट्री। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे आप। जेनिस मूड्स, जेनिस मूड्स जो थे साउथ अफ्रीकन स्टेटमैन थे, इन्होंने कहा लीग ऑफ नेशंस के बारे में क्या कहा, वी आर विटनेसिंग वन ऑफ द ग्रेट मिराकल ऑफ हिस्ट्री। इस स्टेटमेंट्स को और इस पर्सन को आप याद रखेंगे, इन्होंने क्या कहा था, वी आर विटनेसिंग वन ऑफ द ग्रेट मिराकल ऑफ द हिस्ट्री। बट ड्यूरिंग 1920s द अथॉरिटी ऑफ लीग वॉज चैलेंज सेवरल टाइम्स, 1931 बाय द जापानीज इन्वेजन ऑफ मंचूरिया। ये लीग ऑफ नेशंस को वायलेट कर रहा था कब, जब जापान ने 1931 में मंचूरिया आइलैंड पे अटैक किया, 1935 में बाय द इटालियन अटैक ऑन एबिसिनिया, जब इटली ने 1935 में इथोपिया पे अटैक किया, तो ये वायलेशन था। आप देख सकते हैं कि लीग ऑफ नेशंस का सरासर वायलेशन था। आफ्टर दिस द रिस्पेक्ट ऑफ द लीग डिक्लाइंड एंड वीकनेस बिकम क्लियर। ड्यूरिंग जर्मनीज डिस्प्यूट विद चेकोस्लाविया एंड पोलैंड द लीग वॉज अनेबल टू एग्जर्ट द स्लाइटेस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड दिस डिस्प्यूट लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वार। जब जर्मनी ने, जर्मनी का चेकोस्लाविया और पोलैंड के साथ डिस्प्यूट था, तो लीग उसको क्या करी, सॉल्व करने में अनेबल रही, और ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। आफ्टर दिसंबर 1939 लीग डिड नॉट मीट अगेन। दिसंबर 1939 के बाद जो लीग ऑफ नेशन था, लीग कभी भी दोबारा मीट नहीं किया। इट वॉज डिजॉल्व इन 1946 और 1946 में इसको डिजॉल्व कर दिया गया। दस अ कंप्लीट फेल्योर एटलीस्ट एज फार एज प्रिवेंटिंग द वार वॉज कंसर्न्ड। हम कह सकते हैं कि ये लीग ऑफ नेशन जो था वो कंप्लीट फेल्योर के रूप में देखा जा सकता है, असफल के रूप में, क्योंकि वार को ये प्रिवेंट नहीं कर सका। और सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 तक लड़ा गया। विल्सन इंक्लूडेड इट इज़ द लास्ट ऑफ हिज 14 पॉइंट्स। विल्सन की ये ब्रेनचाइल्ड थी और इन्होंने उस 14 पॉइंट्स को क्या किया, इंक्लूड किया। देर वर 42 मेंबर स्टेट एट द बिगिनिंग एंड 55 बाय 1926 व्हेन जर्मनी वाज एडमिटेड। इट हैड 4 परमानेंट मेंबर्स। लीग ऑफ नेशंस के 4 परमानेंट मेंबर्स थे, कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड जापान। ये 4 परमानेंट मेंबर्स को आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। द USA डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन द लीग। USA ने कभी उसको लीगली अप्रूव्ड नहीं किया, यानी ज्वाइन नहीं किया। द रिकन्सिलिएशन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी वॉज रिफर्ड टू एज द लोकार्नो हनीमून। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। फ्रॉम 1921 टू 1933 USA वॉज रूल्ड बाई रिपब्लिकन गवर्नमेंट विच बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। अभी प्रेजेंट टाइम में भी आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति हैं वहाँ के, रिपब्लिकन की गवर्नमेंट है। रिपब्लिकन का जो सिंबल है, दो पार्टियाँ हैं वहाँ पे, रिपब्लिकन और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेट्स। जिसके बराक ओबामा थे और हिलेरी क्लिंटन अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था उसमें इसकी तरफ से उम्मीदवार थी। तो रिपब्लिकन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है वो है एलिफेंट। और ये भारत में किस पार्टी से मैच करता है इसका सिंबल, BSP का आपने नाम सुन रखा होगा, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी प्रेसिडेंट मायावती जी हैं। तो ये जो एलिफेंट सिंबल है रिपब्लिकन पार्टी का, ये मैच करता है भारत में BSP पार्टी के सिंबल से।
इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे एग्ज़ाम में, प्रोबेबल है ये। म्यूनिक एग्रीमेंट, ब्रिटेन एंड फ्रांस एग्रीड ऑन द जर्मन एक्सेशन ऑफ स्विट्जरलैंड। म्यूनिक एग्रीमेंट क्या था? ब्रिटेन और फ्रांस एग्री हुए, सहमत हुए इसको एनेक्स करने के लिए, जो कि एक जर्मन टेरिटरी थी स्विट्जरलैंड, मिनरल रिच थी। द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार सेकेंड के बारे में बताऊंगा आपको, एंड लिटिल बिट अबाउट कोल्ड वार। रीजन क्यों हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? जर्मनी ने अटैक किया था पोलैंड पे, इसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। वर्ल्ड वार सेकेंड में दो पार्टीज थी, अलाइज एंड एक्सिस। अलाइज में कौन कौन थे? द यूके, द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया एंड चाइना एटसेट्रा, इस तरह की कंट्रीज थी अलाइज की तरफ से। दूसरी तरफ एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान एटसेट्रा। वर्ल्ड वार सेकेंड जो लड़ा गया था 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक लड़ा गया था। विक्टोरियस कौन हुए थे इसमें? द अलाइज, यूके, यूएस, रसिया, चाइना, ये जो अलाइज थे ये विजयी हुए थे। टाइमलाइन, 1939 में जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड। 1939 में जर्मनी ने अटैक किया किस पे? पोलैंड पे। 1940 में फ्रांस सरेंडर्स टू जर्मन, बैटल ऑफ ब्रिटेन बिगिंस। फ्रांस ने सरेंडर किया किससे? जर्मन ट्रूप के सामने 1940 में। अब बैटल ऑफ ब्रिटेन बिगिंस शुरू यहाँ से शुरू हो गया। 1941 में अगर जून में मैं देखूं तो जर्मन इन्वेड सोवियत यूनियन। अब जो यूएसएसआर था सोवियत यूनियन पे जर्मनी ने अटैक कर दिया, सोवियत यूनियन पे, रसिया पे। दिसंबर में जापान ने अटैक किया कहाँ पे? पर्ल हार्बर पे। 1943 में अलाइज डिफीट जापान एट ग्वादाल कनाल। इस ग्वादाल कनाल पे जापान, अलाइज ने किसको डिफीट किया? जापान को, जो कि काफ़ी शक्तिशाली देश था, और इसने नारा दिया था एशिया इज फॉर एशियन। 1944 में डी डे इन्वेजन अकर्स हुआ, फाइनल कंक्लूजन इसके बाद आया। 1945 में जर्मनी सरेंडर्स, जर्मनी ने सरेंडर किया, हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली, और अगस्त में एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए जापान के दो शहरों पे, जो कि पूरी तरह से जल के खाक हो गए। 6 अगस्त 1945, इस डेट को आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा नामक शहर पे एटम बम गिराया गया, किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। 9 अगस्त ठीक 3 दिन बाद 1945 को ही नागासाकी पे दूसरा एटम बम गिराया गया। अमेरिका को ये मालूम था कि जापान जो है सरेंडर करने वाला है, लेकिन फिर भी एटॉमिक बम गिराया गया। बट विद द एंड ऑफ द वार दिस वार टाइम फ्रेंडशिप डिटेरिएटेड। अब ये जो फ्रेंडशिप थी वार टाइम की रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, अमेरिका के बीच में, ये अब घटने लगी फ्रेंडशिप, दोस्ती, और ये कन्वर्ट हो गई किस में? राइवलरी, प्रतिद्वंदिता में। डिस्ट्रस्ट एंड अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टेंशन। अब इनके बीच में पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन क्या हो गया? क्रिएट हो गया, नोन एज द कोल्ड वार। इसी को हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध। बीमार रिपब्लिक कहाँ की है? जर्मन की है। टर्की एक ऐसी कंट्री थी, फर्स्ट मुस्लिम कंट्री थी जिसने सेपरेट किया रिलीजन और गवर्नमेंट को। मुस्लिम कंट्री काफ़ी ऑर्थोडॉक्स कंट्री होती हैं, लेकिन टर्की एक ऐसी पहली कंट्री थी जिसने रिफॉर्म लाया इसमें, अपनी पॉलिसीज़ में, और रिलीजन और गवर्नमेंट को टोटली सेपरेट किया। बेनितो मुसोलिनी, मुसोलिनी का आपने नाम सुना होगा, फासिस्ट लीडर, हिज फासिस्ट डब्ड ब्लैक सर्स। मुसोलिनी और उसके जो फासिस्ट लोग थे, सपोर्टर थे, उनको क्या कहते हैं? ब्लैक सर्स के नाम से। इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे इसको। मुसोलिनी टुक द टाइटल सेकेंड ड्यूस,
इसने टाइटल एज्यूम किया था कौन सा? सेकेंड ड्यूस, इसका मीनिंग होता है द लीडर। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये हिटलर की पार्टी थी जो बाद में क्या बन गई थी? नाजी पार्टी। अडोल्फ हिटलर रोट अ बुक, पुट 5 स्टार। अडोल्फ हिटलर ने कौन सी बुक लिखी थी? इम्पॉर्टेंट, मेन काम्फ। मेन काम्फ का मीनिंग होता है माई स्ट्रगल। जब वो जेल में थे तब इन्होंने एक बुक लिख रखी थी। हिटलर ने भी एक टाइटल मुसोलिनी की तरह अज्यूम किया था, फुहर, फुहरर। फुहरर का मतलब होता है लीडर। हिटलर ने यूज किया जाइक्लोन बी गैस, जो कंसंट्रेशन कैंप जिसमें यहूदियों को इसने मारा बंद करके, वो कंसंट्रेशन कैंप ट्रेबलिंका एंड आसवीस थे, उसमें इसने यूज किया जाइक्लोन बी गैस का, क्लोरिनेटेड गैस है ये, इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, टू पावर ब्लॉक्स फॉर्म्ड इन यूरोप। अब दो पावर ब्लॉक्स जो है कि यूरोप में फॉर्म हो गए, वन डोमिनेटेड बाई अमेरिका, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी बेस्ड, एंड द अदर डोमिनेटेड बाई सोवियत यूनियन एंड कम्युनिज्म। वाइल दीज पावर्स नेवर डायरेक्टली फॉट, दे वेज्ड अ कोल्ड वार। ये कभी डायरेक्टली लड़ाई नहीं हुई है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपने नाम सुन रखा होगा। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसी तरह का युद्ध था, और ये युद्ध जो है कोल्ड वार से हार्ट वार में बदलने ही वाला था, लेकिन एंड टाइम पे रसिया ने इसको रोक लिया, इसलिए ये कोल्ड वार ही रह गया, स्टिल अभी चल ही रहा है। कोल्ड वार ऑफ इकोनॉमिक ये चल नहीं रहा है। 1991 में जब रसिया का डिजॉल्व हुआ और 15 कंट्रीज जब उससे अलग हो गई, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक सुपर पावर बचा पूरे वर्ल्ड में, वो था अमेरिका। इस तरह से कोल्ड वार का वहाँ पे एंड हो गया था। इकोनॉमिक मिलिट्री एंड आइडियोलॉजिकल राइवलरी विच डोमिनेटेड द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट में मस्टर्ड गैस का यूज किया गया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मस्टर्ड गैस का यूज किया गया था। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ लाइंस जैसे मैकमोहन लाइन की अगर मैं बात करूं तो चाइना और इंडिया को डिवाइड करती है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को, डुरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। एक फेमस पोर्ट ग्वादार पोर्ट जो कि चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कहाँ पे? पाकिस्तान में। चाबहार फोर्ट, चाबहार फोर्ट जो है इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कहाँ पे? ईरान में। हम्बन तोता पोर्ट अभी रिसेंटली न्यूज में था और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको चाइना ने लीज पे लिया है, किससे? श्रीलंका से। इस तरह के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इस तरह से ये वर्ल्ड हिस्ट्री का लेसन जो है यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप कि आप इन लेसन्स को एंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से वॉच करें, 2 से 3 बार वॉच करें एग्ज़ाम से पहले। ये लेसन्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, आप कंफ्यूज ना हो, और इन लेसन्स को आप करके जाएंगे। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है, 70-80% क्वेश्चन जो होंगे यही से रिलेटेड होंगे। इन PDFs को डाउनलोड करेंगे, रिकमेंड करें अपने फ्रेंड्स को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। हैव अ नाइस डे।